जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सचिन। गाइज फिर से स्वागत है आपका आज के हमारी वीडियो सवाल जवाब में। तो गाइज काफी सारे कमेंट आज हम रीड करने वाले हैं, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो लाता रहूं। तो गाइज एक एक करके हम सब कमेंट को पढ़ने वाले हैं और उनका सभी सवालों का आंसर देंगे। तो गाइज सबसे पहला आज का हमारा कमेंट आता है दीप नारायण चौधरी जी का। ये हमसे कहते हैं कि सचिन भाई, क्या आपने जीवन लाल और म्यूजिक बीच सुधीर का कैसियो सीटेक्स 9000 का टोन देखा है? तो गाइज जरूर हम इनका टोन जाके चेक करेंगे और उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो गाइज अगला कमेंट हमारा आता है द गर्व पियानो जी का। ये हमसे पूछते हैं कि हमारी फिंगर फिसल ना जाए उसके लिए एक वीडियो अपलोड करो। तो गाइज इनके लिए हम जरूर एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें सभी के लिए होगा कि आपको कीबोर्ड में किस प्रकार से उंगलियों की रिहर्सल करनी है, ताकि आपका जो बजाने का तरीका है उसमें आपकी उंगलियां इधर से उधर ना हो, आपका पूरा एकदम हाथ सेट बैठे। तो गाइज जरूर एक वीडियो आएगा। इसके बाद अगला कमेंट फिर इन्हीं का आता है कि भाई आप बहुत ही बढ़िया बजाते हो। गाइस इनका दिल से धन्यवाद द गर प्यारो जी का कि ये हमारी वीडियो डेली देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला कमेंट आता है स्वीटन कुंवर जी का। ये हमसे कहते हैं कि नाइस। तो गाइस हमने शायद कोई वीडियो डाला होगा स्ट्रिंग पियानो जी का, जिसके ऊपर इन्होंने नाइस कमेंट किया, इनका भी दिल से धन्यवाद। इसके बाद हमारा अगला कमेंट आता है बसवा दीपक जी का। ये हमसे पूछते हैं कि सुपर वीडियो। तो गाइस वीडियो एक बार देखेंगे किस वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है। तो गाइस ये हमारा बेंजो का वीडियो है, जो हमने बेंजो को प्ले किया था। तो गाइस इनका भी दिल से धन्यवाद। इसके बाद हमारा अगला कमेंट आता है दीप नारायण यादव जी का। ये हमसे कहते हैं कि रावण हत्था का टोन सुनाइए। तो गाइज रावण हत्था काफी हद तक आपको सारंगी के टोन में ही मिलता है, क्योंकि सारंगी सेम टू सेम आपको रावण हत्था वाली फील दिखाती है। मैं एक बार आपको सुना के दिखा देता हूं। गाइज रावण हत्था में आपको शायद से एक तार या दो तार मिलती हैं, और सारंगी में काफी ज्यादा 3 या 4 से ज्यादा होती हैं। तो गाइज अगर आप गाइज रावण हत्था भी सारंगी की तरह ही प्ले होता है, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आपको 354 नंबर में सारंगी 1 के नाम से मिल जाएगी गाइज सीटेक्स 9000 इन और 8000 इन में। तो गाइज आप जरूर चेक करना, ये भी काफी हद तक रावण हत्था की तरह ही प्ले होती है। बेसिक नाम अलग अलग हैं, लेकिन गाइज इनका साउंड आपको एक जैसा ही फील होगा। इसके बाद हमारा अगला कमेंट आता है छगन भाई ठाकुर जी का। ये हमसे कहते हैं कि गुड देव सर। तो गाइज इनका दिल से धन्यवाद कि हमारी वीडियो देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला कमेंट आता है गाइज वृषभ गडेकर कमेंटेड। तो गाइज नाम इनका इतना अच्छी तरह से पढ़ने नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे दे भाई इन भागवत कथा में। तो गाइज भागवत कथा में आप लगभग सितार हारमोनियम या एक फैंटेसी प्ले होती है गाइज, तो आप उनको प्ले कर सकते हो। अगर आपको फैंटेसी चाहिए तो आप इसमें 793 नंबर टोन पे आपको गाइज भागवत कथा के रूप में आप इसको बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। इसके साथ ही आपको कुछ और टोन भी है जो आप बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो गाइज, जो कि आपको मिलेगी 475 नंबर में। तो गाइज 475 नंबर आपको सॉफ्ट पैड के नाम से एक टोन मिलती है, जिसको आप बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से देखिए। और गाइज इसके साथ ही आपको 470 नंबर में भी एक टोन मिलती है, जो आप बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, और 793 नंबर। तो गाइज भागवत इन कथा में आप अन्य टोन के साथ बैकग्राउंड के लिए इन टोन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए अगला कमेंट हम देखते हैं। तो गाइज अगला कमेंट हमें आता है सारिका चौहान जी का। यही तो चाहिए था सर, बहुत बढ़िया है। तो गाइज इन्होंने पिछली बार कहा था कि हमें कोई ऐसा प्लग टोन बनाइए जिसके बैकग्राउंड में एक स्ट्रिंग प्ले रहे, ताकि जब हम कोई टोन प्ले करें तो जब हम कीज दबाएं तो आपको प्लग टोन सुनाई दे, और जब उसको दबाए रखें तो गाइज तो आप एक बैकग्राउंड इफेक्ट में एक स्ट्रिंग वगैरह प्ले हो। तो गाइज एक हमने इसके लिए पियानो डेडिकेटेड किया था, ताकि और एडिट करके दिया भी था गाइज, जो काफी प्यारा प्ले होता है, आप उसको बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, जो कुछ इस प्रकार से था। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग
सोलो में प्ले करता है, तो आप बिना किसी रिदम के सिर्फ इसी पियानो के ऊपर पूरा गाना प्ले कर सकते हो अगर कोई कोड के हिसाब से गाना चाहता है। तो गाइज आइए अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट हमारा आता है विजय कुमार जी का, ये हमसे पूछते हैं कि सर सैड धुन वॉलियन पर प्ले करके दो प्लीज। तो गाइज हम एक वॉलियन के ऊपर सैड धुन लास्ट में प्ले कर देंगे। तो अगला कमेंट हमें आता है राजस्थानी म्यूजिक वर्ल्ड जी का, ये हमसे पूछते हैं भाई कैसे सिटी एक्स नैने जा रही इनमें सैम्पलिंग कैसे करें। तो गाइज सैम्पलिंग से इतना हम नहीं समझा रहे कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जरूर हम इनसे पूछ के इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। तो गाइज इसके साथ ही हमारा अगला कमेंट आता है 0179FF कमेंटेड ओपी, तो दिल से इनका भी धन्यवाद। अब गाइज अगला कमेंट हमारा आता है एक्सपर्ट मास्टर एके जी का, नाइस एडिटिंग बताओ जी। तो गाइज हम टोन सुनेंगे कि किस टोन की एडिटिंग के लिए कह रहे हैं। तो गाइज हमने एक ओबे हारमोनियम प्ले किया था जो काफी प्यारा फील देता है, जो कुछ इस प्रकार से है। गाइज इसका एक एडिटिंग वीडियो हमने अलग से डाला हुआ है, आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हो। इसमें आप अगर आपको कोई पता नहीं लगता तो गाइज आप ओबे प्लस हारमोनियम को लेयर कर सकते हो, अगर जैसे आप लेयर करोगे तो उसके बाद आपका यही टोन सेम बजेगा। आइए गाइज अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट हमें आता है नीतीश दीवाना मस्ती जी का, ये हमसे कहते हैं सुपर। तो गाइज हमने एक सॉन्ग प्ले किया था नैन कटोरे, जो कि हरियाणवी सॉन्ग है गाइज, काफी प्यारा है, और इसको हमने प्ले किया था ऑन कीबोर्ड विद रिदम के साथ। तो गाइज आप इसको जरूर चेक कर सकते हो, काफी प्यारा सॉन्ग है, हमारे यूट्यूब वीडियो के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है गाइज सवर्ण खा ऑफिशियल ऑफिशियल। तो गाइज ये हमसे कहते हैं कि आपका टोन बहुत अच्छा है भाई, आपका नंबर दो प्लीज। तो गाइज हम इन यूट्यूब में आपको अपना नंबर नहीं दे सकते क्योंकि काफी सारे उसके बाद फिर गाइज मैसेज आने वाले हैं लगेंगे। इसके बाद हमारा अगला कमेंट आता है गाइज छगन भाई ठाकुर जी का कमेंट, और ये कुछ अलग भाषा में इन्होंने कमेंट किया जो हमें पढ़ने नहीं आती। तो गाइज आप इंग्लिश में ही इसका हमें कमेंट दिया करिए। इसके बाद हमारा अगला कमेंट आता है मनीष कुरतकर जी का, भैया सितार और संतूर में प्रोफेशनल टोन बनाओ प्लीज। तो गाइज हम जरूर भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हमारा अगला कमेंट आता है गाइज बोवी मिश्रा कमेंटेड जी, बोवी मिश्रा जी का, ये हमसे कहते हैं कि गुड एडिटिंग, ये रिदम एक्सटेंशन पैक का है, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द दिस रिदम। तो गाइज एक बार हम इस रिदम को पढ़ेंगे कि कौन सा रिदम हमने। तो गाइज ये जो वाली जो रिदम है ये आपको मिलेगी न्यू अपडेट के बाद, जो कि है गॉसप ढोल के नाम से। गाइज काफी प्यारी टोन है ये, आपको हिंदी गानों बॉलीवुड गानों के लिए रिदम। तो गाइस गॉसप ढोल के नाम से ये टोन है, आपको मिल जाएगा ये न्यू अपडेट के बाद। अब इसके बाद एक और कमेंट गाइस हमें आता है, आगे चल के देखते हैं। तो गाइस अगला कमेंट हमें आता है कृष्णकांत पुरोहित जी का, एकदम मस्त वॉल्यूम बनाया है। तो गाइस इनका भी दिल से धन्यवाद कि इन्होंने हमारी वीडियो देखी। अब गाइस इसके बाद हमारा अगला कमेंट आता है कृष्णकांत पुरोहित जी का, फिर से कमेंट करते हैं गाइस, काफी लंबा कमेंट है, पूरा देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। तो गाइस इन्होंने लिखा कि सचिन देव जी आपने सवाल जवाब का ये अच्छा वीडियो बनाया है और काफी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है, थैंक्स। मेरी एक क्वेरी और रिक्वेस्ट है कि सिटीएक्स 8000 इन और 8900 इन में फंक्शन और मिक्सर में जो भी टोन एडिटिंग पैरामीटर है जैसे कि डिले रेसोनेंस कोरस कट ऑफ एक्सेट्रा, उसकी वैल्यू कम या ज्यादा प्लस या माइनस करने से या मिनिमम और मैक्सिमम करने से टोन पर क्या असर पड़ता है, तथा उसके साथ वीडियो बनाइए तथा एडिटिंग में हेल्प, ताकि हमें एडिटिंग में हेल्प मिल सके, प्लीज रिप्लाई जरूर करना, मैं आपके इस वीडियो का इंतजार करूंगा। तो गाइज
एक या दो दिन के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि हम जब फंक्शन के ऊपर कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हैं तो कौन से फंक्शन से हमें टोन में कौन सा इफेक्ट लगने या देखने को मिलता है। तो गाइज इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनेगा, आप जरूर चेक करना। तो गाइज इनके लिए भी हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। तो गाइज आज के हमारे पूरे कमेंट यहीं पर खत्म होते हैं। इसके साथ ही एक और कमेंट आता है गाइज प्रांजल जी का, ये काफी सारे कमेंट करते हैं गाइज। सबसे पहला कमेंट कई बार इन्हीं का होता है, तो इनका दिल से धन्यवाद कि हमारी पूरी वीडियो देखते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और गाइज बोलियन का एक सैड सॉन्ग के ऊपर आइए देखते हैं। तो आई गाइज वॉलिन के ऊपर एक सैड सॉन्ग।